पाइनएप्पल स्लाइस केक बनाने के लिए एक बोल में हम लेंगे 250 ग्राम दही। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम शुगर पाउडर और इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे कि इसमें कोई भी लंप्स ना रहे। क्योंकि हम पाइनएप्पल स्लाइस केक बना रहे तो इसमें हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल एसेंस एंड येलो फूड कलर। आप इन दोनों ही चीजों को अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने इस बैटर में हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून और हम इसे जैसे ही मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं एयर पॉकेट। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 90 ग्राम्स ऑयल और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बिना अपने एयर बबल्स को डिस्टर्ब किए हुए हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इस पे एक सीव रखेंगे और अपने मैदा को इसमें छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। इसमें हम लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है सॉल्ट। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है और अब इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ये जो स्लाइस केक की जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह थिक रहेगी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए चेरीज 3 टीस्पून। आप चाहे तो इसमें टूटी फ्रूटी या चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बैटर बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसे पोर कर लेते हैं अपने लोफ टिन में। आप इस स्लाइस केक को सर्कल या स्क्वायर केक टिन में भी बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर भी थोड़े चेरी स्प्रिंकल करेंगे और उसे इस तरह बैटर में प्रेस कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं 180 डिग्री पे 35-40 मिनट्स के लिए। और लीजिए हमारी केक बिल्कुल रेडी है। हम इसे रूम टेम्परेचर में आने देंगे। चलिए हमारी केक यहाँ पे बिल्कुल कूल हो चुकी है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। सारे ही इंग्रेडिएंट्स घर पर इजीली अवेलेबल है। देखिए हमारी जो केक की स्पंज है वो कितनी ज्यादा फ्लफी एंड सॉफ्ट बनी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है। तो चलिए मैं आपको इसकी स्लाइस कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी स्लाइस कितनी अच्छी बनी है। उसमें सारे एयर पॉकेट्स आप देख सकते हैं एंड बहुत ही ज्यादा लाइट एंड स्पंजी भी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा एक टी टाइम केक है। आप इसे बनाएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। Thank you for watching my channel.